नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 10 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। उत्तर प्रदेश के लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है। आज भी बिजली गिरने के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी समेत कई जिलों में अलर्ट है। केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर अपने आप ही भारत में शामिल हो जाएगा। इसके लिए आपको बस थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। आज से 15 दिन पहले महाराष्ट्र जालना से शुरू हुआ मराठा आरक्षण अब राज्य के अन्य हिस्सों में भी पहुंच चुका है और इस राज्य में मराठा 80 के दशक से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। मराठा आंदोलन पर सीएम एकनाथ शिंदे ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जालना में हुए आंदोलन में आंदोलनकारियों पर दर्ज सभी मुकदमे तत्काल वापस ले जाएंगे। महाराष्ट्र के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरीश महाजन ने कहा कि 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में अजीत पवार को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार की गोखली थी। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 228 रन से करारी मात देकर फाइनल की ओर कदम बढ़ा दी है। पाकिस्तान के बाद अब मंगलवार को टीम इंडिया की टक्कर श्रीलंका से होने जा रही है। सुपर फोर में भारत और श्रीलंका की टीमें कोलंबो से आर प्रेमदासा स्टेडियम में आमने सामने होगी। इस मुकाबले से पहले कोलंबो से अच्छे मौसम की खुशखबरी आई है। सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी। फिल्म ने 32वें दिन बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ दिया है। शाहरुख खान की फिल्म जवान बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करी है, लेकिन सोमवार को यानी रिलीज के 5वें दिन जवान की कमाई पर भारत पाकिस्तान मैच का असर दिखा। शाहरुख खान की जवान का 5वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गदर 2 से कम रहा है। शिवसेना यूबीटी के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राम मंदिर से लौट रहे भक्तों के साथ गोधरा जैसे कांड हो सकता है। इस पर अयोध्या के आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा है कि उद्धव राम भक्त को डरा रहे हैं। ये थी आज की टॉप 10 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए बीसीएन न्यूज़। नमस्कार।